साल तो जिहड़ी यात्रा करोना करके रुकी हुई सी, इस बारी संगत का पूरा ही जोर शोर है कि हुम हुम आके इत्थे पहुँच रहे हैं। बहुत ही वधिया तरीके नाल दर्शन भी हो रहे हैं। रोड तो फिलहाल इस टाइम साफ हैगी है, पर हुण ताजी बर्फ पै रही है, उस करके मैं बाकी सारी सिख संगतां नूं यही अरदास बेनती करांगा कि हुम हुमा के गुरु हेमकुंड साहब जी के दर्शनों लई इत्थे पहुँचो, गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो। आपां दिल्ली तो चले सी जी, दिल्ली तो अपनी बाइक्स के उत्ते राइड करते हुए इत्थे पहुँचे हाँ। उस तो बाद अज गुरु घर की ओपनिंग सैरामनी के विच पहुँचे हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। आज गुरु साहब की बहुत कृपा रही है कि हजारों में जो श्रद्धालु हैं उन्होंने बहुत दूर दूर से आके गुरु साहब के दर्शन किए और बहुत सेवा की। अपने तन मन धन से संगतों ने श्री हेमकुंड साहब आकर के बहुत सेवा की, गुरु साहब की खुशियाँ प्राप्त की और गुरुद्वारा साहब में श्री पाठ साहब सुन के, कीर्तन सुन के, सरोवर में स्नान के स्नान कर गए, गुरु साहब की खुशियाँ प्राप्त। जी हम आए हैं राजपुरा पटियाला से और बहुत आनंद आ रहा है। वाहेगुरु ने अपार कृपा करी है, इस समय स्नोफॉल हो रही धीमी धीमी, बहुत ही आनंद आ रहा है। दर्शन हमें सही समाप्त हो गए हैं, कोई आउट ऑफ वर्ड्स हैं। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, पुणे से आए हैं हम लोग, और पहले मैं 7-8 बार आ चुका हूँ, पिछले 10 साल के बाद अभी आया हूँ और ओपनिंग पे पहली बार पहुँचा हूँ। बहुत ही सुकून और बहुत शांति वाला फीलिंग आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पहुँच के। यात्रा बहुत अच्छी रही है, एकदम कंफर्टेबल, काफ़ी कुछ बदलाव भी महसूस हुआ है। फिर पिछले टाइम पे के जो रास्ते थे और अभी के जो रास्ते हैं, काफ़ी कुछ बदल हो गया और काफ़ी प्रोग्रेस है, अच्छा है। वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही खुशी की बात है कि 2 साल बाद कोरोना काल था, कोरोना काल के बाद 2 साल बाद कपाट खुले हैं। संगतों में बहुत ही खुशी का माहौल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है संगतों को, और ऐसे यात्रा चलती रहे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं पहली दफ़ा इतने आया हाँ, तो भाजी के नाल ही मैं हौसला वजह कि हेमकुंड साहब ने आके दर्शन करने, बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु की कृपा है कि असं इतने पहुँच गए हैं, पहुँच के तो दर्शन किए ने, इन्ना सुंदर नजारा स्वर्ग दर्शन स्वर्ग दर्शन स्वर्ग दर्शन स्वर्ग है।